अभी हुआ क्या सुर से गाना लगा मुझे चाहिए भाई रे हेलो गाइस आप सब कैसे हो। अभी टाइम हो रहे हैं 9:20 और मैं आधा घंटा पहले ही उठा। यूजुअली मैं 6:30 को ही उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे मम्मी को स्कूल छोड़ने जाना होता है। और तो मैं मम्मी को स्कूल छोड़ के जैसे ही आया मुझे मतलब इतना मतलब आज उड़ीसा में ठंड है कि मतलब मुझे आज बेड से निकलने का मन ही नहीं किया। तो मम्मी को मैं स्कूल से छोड़ के आया और सीधा बेड के अंदर घुस गया। अभी यूजुअली मैं इस टाइम पे मार्केट मॉनिटर करता हूँ क्योंकि अभी मार्केट तो खुल जाते हैं, लेकिन अभी मतलब मेरे पास तो लैपटॉप तो है नहीं, तो एडिट करने के लिए मुझे आज मेरे दोस्त के घर जाना पड़ रहा है। तो उसके पहले मुझे कौन सा क्लिप्स लेके जाना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होने वाला है, तो यहीं पे मुझे चूज़ करके पेन ड्राइव में उसके घर लेके जाना पड़ेगा, जो कि है शायद ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है उसका घर। और देख लो गाइस मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है अभी मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन एडिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरा दोस्त के घर भी मुझे जाना पड़ रहा है और आज के दिन के लिए एडिट हो जाएगा। फिर कल का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं शाम को जब फील्ड जाता हूँ दौड़ने के लिए वहाँ बैठ के एडिट करूँगा। वो वहाँ पे लेके आएगा 4 बजे, 4 से 6 बजे मुझे शायद दो घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा एडिट करने के लिए। तो वहाँ पे बैठ के मैं एडिट करता हूँ, फिर वो घर चला जाएगा, फिर मैं अपना 6 o'clock के बाद मैं फिर अपना रनिंग करके फिर घर आऊँगा। तो जब तक मेरा मैकबुक नहीं आ जाता या फिर कोई लैपटॉप मैं ख़रीद नहीं लेता तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो या अभी नेक्स्ट क्लिप वहाँ का होगा मेरे दोस्त के घर का। तो मैं आ चुका हूँ मेरे दोस्त के घर पे और मेरा एडिटिंग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो मैं अभी उसी के रूम में हूँ, एडिट कर रहा था और ये उसका टैब, इसका कीबोर्ड वगैरह, उसका एसेसरीज वगैरह है यहाँ पे। तो मेरा भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है पूरा और अभी बज रहे हैं 12:40 को। मैं यहाँ पे आया था तो मैं यहाँ पे आया था 11 बजे और मेरा लगभग 1.5 घंटा में ऑलमोस्ट पूरा हो गया। बस म्यूज़िक कहीं पे कुछ छोटा मोटा एडिट करना रह गया, तो ऐसे ही कर रहा हूँ एडिट। मेरे दोस्त भी मुझे बहुत मदद कर रहा है, तो वो मैं उसको बोला था आने के लिए, वो मना किया, बैठा हुआ है सामने, बोला कि नहीं आज नहीं आऊँगा फिर कभी आऊँगा। तो फिर अभी थोड़ी देर में एडिट करके मैं घर चला जाऊँगा। मैं कह चाहूँगा अपना ब्लॉग एडिट और ये भी बैठ कर देख रहा है, बोल रहा मेरा चेहरा मत दिखा, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, यही है पहला जिसका मैं अपना वीडियो दिखा रहा हूँ, देखते हैं क्या इसका रिएक्शन रहता है देख के। तो अभी मैं आया अपने दोस्त के घर से एडिट करके और एक्सपोर्ट करने बैठा है, तो वो और देरी हो रहा था तो मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला आया, फाइल भी लाया नहीं। और वो शायद आज शाम को 4:30 या 5 बजे आएगा और मुझे वो फाइल दे देगा। तो मम्मी को मैं लेके आ गया, आज उनका जल्दी ही छुट्टी हो गया, लेके गया था फिर वो लेके आ गया। तो ये रही मम्मी, आ रही है अभी। अम्मा हाँ आ गए हम बेटा, मेरा स्कूल में आज जल्दी ख़त्म हो गया काम, तो फिर हम आ गए। कोविड का टाइम में हम लोग कोई बैठे नहीं थे, सब कोई खड़े खड़े जो काम था स्कूल का वो सब कर लिए और जल्दी ही आ गए। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, बाय। ये टीचर लोग कितना कुछ करते हैं स्टूडेंट लोग के लिए लेकिन पीछे का कहानी किसी को नहीं मालूम है ना। चलो मम्मी को लेके आए हुए, बस 5 मिनट हुए कि नहीं, मैं बैठा हुआ था और वही जो मेरा दोस्त मेरे को हेल्प कर रहा था एडिट करने में उसका टैब में, तो वो कुछ प्रॉब्लम से हॉस्पिटल में था, उसका काम पड़ गया था। वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि उसका कुछ सामान आने का है, बस से आने का है, तो वो मेरे को बोला, रिक्वेस्ट कर रहा है कि जाके ले आओ बस स्टैंड से। तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं बस स्टैंड, मैं आ गया हूँ अभी बस स्टैंड पे, खोज रहा हूँ बस। यहाँ पे बहुत सारे बस खड़े हैं लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा है, बहुत सारे बस हैं यहाँ पे खड़े हैं सब बस, लेकिन उनमें से कौन सा मैं आगे देख लिया, कहीं पर नाम नहीं लिखा है, शायद आया नहीं। ये रहा हमारा बस, आ गया जगन्नाथ। हाँ पार्क करो, यहाँ पर पार्क करने का जगह भी नहीं है, सामान रख दिए, यहाँ भी भर्ती है, यहीं पार्क कर देता हूँ। जा रहा है हमारा बस।
तो अभी मैं आ गया हूँ उसका सामान बस स्टैंड से लेके। और अक्सर ऐसा होता है कि मतलब अलग अलग स्टेट्स में अगर आपको कुछ एक दो सामान है, कुछ बड़ा सामान है और आप उसको अगर ट्रांसपोर्ट करोगे यहाँ से वहाँ, तो आप बस में भेज देते हैं। हम लोग का यहाँ यही होता है। तो वो बस में आ रहा, तो मेरे को लगा कुछ शायद होगा कुछ बड़ा बड़ा सामान। तो जब मैं गया बस से, बस वाले से बोला सामान कहाँ है दो, तो वो बहुत बड़ा सामान भेजा, तो मेरे को लाने में थोड़ा मुश्किल भी हुआ। मम्मा जानते हो क्या है? क्या? वो इतना बड़ा सामान है कि मेरे को बैग लेके जाना पड़ा, और उसमें से वो सामान था USB टाइप सी केबल। तुमको तुम्हारा फ्रेंड बोला नहीं था कि यही चूही वाला सामान भेजेगा? खाली बोला लेके आओ। नींद लग रहा है मम्मा? हाँ, हमको नींद भी लग रहा है, बहुत टायर्ड है स्कूल से। सुबह सुबह उठ के स्कूल जाती है, फिर आती है और फिर गए थे स्कूल। सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती है मम्मी, है ना मम्मा? खाना वाना पकाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट एवरीथिंग। ये मैं उसको 5 दिन बाद दूंगा। मेरे को बोला भी नहीं, मैं USB और बोला होता तो मैं खरीद के दे देता उसको। तो इतना नींद लग रहा है मम्मी, अभी फिर जाना पड़ेगा 6:30 बजे। वो आएगा ना, वो आएगा, आने दो उसको, आएगा वो आज, आएगा 5:30 बजे। वो जो उसका टैब में मैं जो वीडियो अपलोड किया था, वीडियो अपलोड कह रहा हूँ, वीडियो जो एडिट किया था, तो उसी को मेरे को देने के लिए आएगा। काम को जा, काम को जा, काम को जा। क्या, किसका कॉपी कर रहे? अरे वही लोग, आई एम हैप्पी, आई एम डायमंड। ऐसे बात करते हैं वो लोग, ऐसे बात करते हैं ना, अफ्रीकन इंग्लिश ऐसा है। What is this? What are you doing? What are you doing? What are you doing? अभी हुआ। क्या सुर से गाना लगा? पीछे चाहिए भाई रे। तबा तबा सजन मेरे पास तो आना, मैं कभी मुझे शहर के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। सजन मेरे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तो सारा दिन आज भाग दौड़ करने के बाद अभी हम लोग डिनर करने आए हैं, मैं, मम्मी, तन्नू, और अभी खाना खाएंगे। बहुत थकावट दिन था आज। और आज खाने में मम्मी क्या बनाई, मम्मी बताइए। आज खाने में तो हम भी बहुत टायर्ड हैं, तो इसलिए हम कुछ रोटी सब्जी नहीं बना पाए, तो इसलिए हम आज ब्रेड और ब्रेड बटर और जैम और जो सुबह का आलू भुंजिया था और लंच में जो फूलगोभी और चिकन बनाए थे उसका थोड़ा सूप बचा है, तो आज रात को हम लोग वही खा लेंगे। तो अभी खा के हम लोग सो जाएंगे, फिर कल सुबह फिर वही रूटीन, मम्मी को सुबह उठो, मम्मी को स्कूल छोड़ो, फिर स्कूल से आके फिर अपना काम करो। तो फिर गाइस कल मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।